हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज जो हम वीडियो लेकर के आए हैं आपको कम से कम 2 से 3 खबर देने के लिए लेकर आए हैं, जो अक्सर आप थंबनेल में लिख रहे होंगे कि आपके मूड खबर किस लिए है। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो में, आगे बढ़ते हैं और दोस्तों आपको बताते हैं क्या खबर है। तो दोस्तों जैसा कि आप वीडियो में यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर लिखा हुआ चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय कैंपस के कॉलेज और PG कोर्सों में दूसरी कट ऑफ जारी। कट ऑफ प्रवेश के 28 दिसंबर तक होंगे एडमिशन, यानी पीजी कोर्स की बात चल रही है यहाँ पे। और दोस्तों 28 दोस्त इसमें दूसरी मेरिट लग जाएगी यहाँ पे। और दोस्तों यहाँ पे LLM के लिए 29 तक कॉलिंग अपडेट हो गया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो में, आगे बढ़ते हैं दोस्तों आगे। ये तो है आपके यहाँ पे जो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स की बात थी, लेकिन जो हमारी मेन खबर थी हम इसे आगे आपको बढ़ाते हैं। यहाँ पे हमारी मेन खबर थी जिसे आपको बताना था दोस्तों, ये है आपकी BEd से रिलेटेड, यानी यहाँ पे लिखा हुआ 31 दिसंबर तक होंगे BEd कॉलेजों में सीधे प्रवेश। यानी जो आप जानते हो 24 दिसंबर से जो है सीधे प्रवेश की प्रक्रिया चल रही है BEd कॉलेजों में, वो दोस्तों 31 तारीख तक हमारी लास्ट डेट होगी। तो जिसमें कौन कौन से कॉलेज आएंगे, एडेड राजकीय और सेल्फ फाइनेंस सहित अल्पसंख्यक कोटे के जो कॉलेज आते हैं BEd कॉलेजों में 31 दिसंबर तक सीधे प्रवेश होंगे। लेकिन दोस्तों आपको एक बात ध्यान रखना है, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ भी है कि काउंसलिंग के बाद रिक्त BEd सीटों पर प्रवेश लेने के लिए केवल एंट्रेंस टेस्ट में शामिल छात्र प्रवेश ले सकते हैं। क्योंकि दोस्तों बहुत से कॉलेज ऐसे होते हैं कि आपको वैसे ही वेला फुसला कर आपका एडमिशन करा लेते हैं, जो छात्र हमारे जो दोस्त हमारे एंट्रेंस यानी BEd एंट्रेंस भी नहीं दिए होते को, तो दोस्तों उनमें दिक्कत आएगी कि आपकी कभी आपका एडमिट कार्ड रुक जाएगा, कभी आपका रिजल्ट रुक जाएगा। तो दोस्तों किसी ऐसे कॉलेज के चक्कर में ना पड़े जो आपको डायरेक्ट एडमिशन दे। हाँ, डायरेक्ट एडमिशन आप तब ले सकते हो तो आपने एंट्रेंस दिया हो, यानी जो UPJEE द्वारा कराया, नखला विश्वविद्यालय द्वारा कराया जाता है, वो आपका एंट्रेंस दिया हो उसमें आप उसके लिए उसके यदि आपने एंट्रेंस दिया तब आप एडमिशन डायरेक्ट ले सकते हो। दोस्तों उसकी फ़ीस वगैरह भी नीचे लिखी हुई है, मैं आपको पेज को आगे बढ़ा के दिखा देता हूँ। देखिए काउंसलिंग फ़ीस यहाँ पे लिखी हुई है, 750 फीस जमा होती है, 750 रुपये बाकी आपकी कॉलेज फ़ीस होती है। दोस्तों एक बात और आपको बताना चाहूँगा कि बहुत से कॉलेज ये होते हैं राज्य सरकार द्वारा यानी यूनिवर्सिटी द्वारा आपकी फर्स्ट ईयर की 51,250 रुपये, 250 होते हैं। बट इसमें क्या होता है दोस्तों, कुछ कॉलेज आपको कम फीस जमा करा लेते हैं और आपका एडमिशन करा लेते हैं, लेकिन बाद में वो दिक्कत करते हैं यदि आपकी कोई कम फीस में एडमिशन हो तो दोस्तों लिखित रूप में उसे आप कॉलेज से ले सकते हैं। तो क्योंकि दोस्तों आगे ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और दोस्तों हमारे वीडियो में कमेंट करके बताएं कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।